हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन अवर संस्कृत क्लास। आज हम स्टैंडर्ड 6 में जो रिवीजन 1 है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू संस्कृत। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस क्या है, माय नेम इज मनीषा। तो इसको हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे, मम नाम कैसे होगा, मम नाम मनीषा अस्ति। है ना, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं माय नेम इज मनीषा, तो संस्कृत में कैसे लिखेंगे इसको, मम नाम मनीषा अस्ति। दूसरा है आई लिव इन गुजरात, अहम गुर्जर राज्य वसामी। तो यहाँ पर ग्रामर का टॉपिक आपको याद करने का कि हम के साथ कौन सा फॉर्म आएगा, मी। वी गो टू द टेम्पल, वी है तो वयम, वी का क्या होगा, वयम मंदिरम गच्छाम। उसके बाद है शिव व्योस द गंगेस, तो शिव गंगा गंगाम धार यति, है ना। उसके बाद है द बुक गिव्स अस नॉलेज, पुस्तकम अस्मभ्यम ज्ञानम यच्छति। अदरवाइज हम बोल सकते द दा ती। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। बहुत ही इजी है। कई बार स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि आपको वर्ड याद रखने पड़ेंगे, लेकिन एक बार यूज़ करने के बाद, है ना, कहाँ जैसे इंग्लिश में माय कहाँ कहाँ यूज़ करना है हमें पता चल जाता है, वैसे संस्कृत में भी आपको स्लोली स्लोली पता चल जाएगा। क्वेश्चन 6 देखेंगे, मैच द संस्कृत वर्ड्स इन बी विथ इंग्लिश वर्ड इन अप्रोप्रिएटली। तो यहाँ पर नोज है, तो नोज को हम क्या बोलेंगे, नासिका। तो 5 नंबर पे है, तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर करके, तो इसमें क्या आएगा, 5 नंबर वाला नोज मीन्स नासिका। सेकेंड है टंग, टंग को क्या बोलेंगे, जिह्वा। तो जिह्वा का लिखा है 4 नंबर पर। लेग, लेग मीन्स क्या होता है, पाद। तो पाद कहाँ है, हाँ उसका नंबर 1 है। उसके बाद है ईयर, ईयर मीन्स कर्ण। तो कर्ण कहाँ है, 6 नंबर पर। और लास्ट है लिप, तो लिप होता है ओष्ट। ओष्ट कहाँ है, 3 नंबर पे। तो यहाँ पर हमने नंबर लिख दिए हैं, है ना, नोज नासिका, टंग जिह्वा, लेक पाद, ईयर कर्ण, लिप ओष्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, उसमें क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें क्या करना है, ये अहम है, अहम जलम पिबामि। तो अहम के नीचे अंडरलाइन है और ब्रैकेट में एक नाम दिया है, वो नाम है मीना। तो अहम की जगह पर हम क्या लगाएंगे, मीना। तो हम लिखेंगे मीना जलम, वही का वही रहेगा जलम। और हमें पता है
कि अहम के साथ मी आता है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो ती हो जाता है। तो यहाँ पर पीबा मी है, उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, पीबती, पीबती। बहुत ही इजी है, जैसे आई के साथ एम आता है वैसे ही शी इट के साथ इज आता है, सेम वे यहाँ पर अहम के साथ मी आएगा और बाकी कोई भी नाम होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला तो उसके साथ क्या आएगा, ती वाला फॉर्म आएगा। मीना जलम पीबती, अहम पुस्तकम पठामी, तो अहम की जगह पर यहाँ पर धर्म लिखा है तो धर्म पुस्तकम पठामी है तो पठती क्या हो जाएगा, पठती। ये हो गया, बहुत ही इजी है। रेशमा फलम खादती, यहाँ पर उल्टा दिया है, देखो यहाँ पर रेशमा दिया है और ब्रैकेट में अहम दिया है, बहुत ही इजी है। तो रेशमा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, अहम, अहम उद्यानम, अहम उद्यानम नहीं आएगा यहाँ पर, अहम फलम है, फलम। खादती की जगह पर क्या हो जाएगा, खादामी, खादामी। नीचे वाला ही सेंटेंस में थोड़ा ध्यान गया, तो अहम फलम खादामी। नेक्स्ट है भार्गव उद्यानम गच्छति, तो अहम दिया है तो यहाँ पर भार्गव की जगह पर हमें लिखना है अहम उद्यानम गच्छति है तो हमें गच्छामी, तो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, बहुत ही इजी है क्वेश्चन नंबर 8। तो फाइंड द ओड वर्ड्स इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक यहाँ पर फर्स्ट में क्या दिया है, कर्ण दंता शरीरम हस्त है ना, तो इसमें से ऑड क्या है, ऑड मतलब क्या कि अलग पढ़ रहा हो, तो यहाँ पर देखो पार्ट्स ऑफ बॉडी है और यहाँ पर पूरी बॉडी की बात है, तो शरीरम क्या है, डिफरेंट है, तो यहाँ पर हम सर्कल करेंगे। सेकंड देखो, सिंह मयूरह वृषभ व्याघ्रह, तो यहाँ सिंह वृषभ व्याघ्र वो जो थ्री नेम्स है वो किसके हैं, एनिमल्स है, और यहाँ पर मयूर है बर्ड है ना, तो ये डिफरेंट पढ़ रहा है, मयूर मीन्स पिकॉक। थर्ड नंबर देखेंगे, प्रेषयती क्रीडती हसती निशा, तो ये प्रेषयती क्रीडती हसती ये वर्ब फॉर्म है, जबकि निशा क्या है, नाउन है, तो ये डिफरेंट पड़ रहा है निशा। उसके बाद है फोर्थ वन, शुकः स्वानः काकः हंसः, तो यहाँ पे थ्री बर्ड्स नेम है, शुकः काकः हंस और स्वान मतलब होता है डॉग, तो ये डिफरेंट पड़ रहा है। ओके, फिफ्थ देखेंगे, मंदिरम तड़ागः समुद्रः नदी, तो ये देखो तड़ागः मीन्स जो पॉन्ड बोलते हैं वो, समुद्र मीन्स ओशन, नदी मीन्स रिवर, तो तीनों जहाँ पर जल होता है ऐसे नाम है, और जहाँ यहाँ मंदिरम तो ये डिफरेंट है, तो यहाँ पर हम सर्कल बना देंगे। तो ये ओड वर्ड्स हमें फाइंड करने थे, तो फर्स्ट में शरीरम, सेकंड में मयूर, थर्ड में निशा, फोर्थ में स्वान और यहाँ पर मंदिरम। तो यहाँ पर हमारी जो रिवीजन वन है वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट, बाय।